अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू यू इन दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट एंड ऑथेंटिक सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन आज की इस वीडियो में जो मौजूदा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं डिफरेंट कंट्रीज के उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें इस बात का पता है कि टेन कंट्रीज ऐसी हैं जिनके प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो पेपर में पूछी जाती है तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को मद्द, मद्देनजर रखते हुए ये शॉर्ट से वीडियो बनाई है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस ना हो फर्स्ट कंट्री है हमारे पास कनाडा कनाडा का कैपिटल है ओटावा और इसकी जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट का नाम है फेडरल लेजिस्लेचर जो कनाडा की पार्लियामेंट है इट कम्पोज ऑफ थ्री पार्ट्स एक फर्स्ट है मुनार्स सेकेंड है सेनेट और थर्ड है हाउस ऑफ कॉमन्स इन तीनों का जो कम्बाइंड नेम है वो है फेडरल प्राइम मिनिस्टर का नाम है जस्टिन ट्रोडियो ये 2015 से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो ऑफिशियल नेक्स्ट कंट्री है रशिया रशिया का कैपिटल है मॉस्को इसके पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का नाम है डूमा इसके जो प्राइम मिनिस्टर है रशिया के उनका नाम है मिखायल मिश्यन निखाइ मिशुस्टन जो हैं ये 2020 से रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमिर पुटिन ये पहली दफ़ा 2012 में आए थे और जो प्रेसिडेंट की टर्म है ये सिक्स ईयर की होती है इनके दो हज़ार में आए थे 2018 में दोबारा इलेक्शन हुए फिर से रीअलेक्ट हो गए और दो में इनकी मियाद ख़त्म हो जाएगी उसके बाद रशिया के नए प्रेजिडेंट आएंगे और जो रशिया के प्रेजिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस है वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है उसका नाम है क्रेमलिन नेक्स्ट कंट्री है जापान जापान का कैपिटल है टोक्यो इसके पार्लियामेंट वेरी इंपोर्टेंट पार्लियामेंट का नाम है डाइट और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम है यू शी हिडे सोगा ये सीन 16 सितंबर 2020 से जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की उसका नाम है सोरी डेजन केन्ट्री नेक्स्ट है हमारे पास फ्रांस फ्रांस का कैपिटल है पेरिस इसकी पार्लियामेंट का नाम है फ्रेंच पार्लियामेंट जो फ्रेंच पार्लियामेंट है ये कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एक है सेनेट और दूसरा है नेशनल असेंबली पाकिस्तान की भी सेम है सेनेट और नेशनल असेंबली और फ्रांस की भी सेम है इनका जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट का नाम है अम्यूनअल मैक्रोन ये सिंस फोर्टीन मई टू से प्रेजिडेंट है फ्रांस के और जो प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेन कास्टिक जेन कास्टिक जो है सिंस दो से प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम है एलिसी पैलेस नेक्स्ट है चाइना चाइना का कैपिटल है बीजिंग इसकी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस और जो नेशनल पीपल कांग्रेस है ये लार्जेस्ट पार्लियामेंट बॉडी इन द वर्ल्ड क्योंकि इसके सबसे ज्यादा मेंबर हैं टोटल मेंबर हैं टू नाइन एट जीरो मेंबर इन टू थाउजेंड एटीन इसके प्रेसिडेंट का नाम है जी जिनपिंग जी ये दो हजार तेरह में इलेक्ट हुए थे इसके बाद रीइलेक्ट हुए हैं 2018 में और इनके जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम है ली ली क्योंग ली क्योंग जो हैं ये सिंस 2015 से प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के जो ऑफिशियल रेजिडेंस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है उसका नाम है ज़ोन जोंग नन्हहाई जोंग नन हाई इज अ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ चाइना नेक्स्ट कंट्री है गोाना गोाना का कैपिटल है जॉर्जटोन इसके जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल असम्बली इसके जो प्रेजिडेंट हैं प्रेजिडेंट का नाम है इरफान अली और जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क फिलप्स जो ऑफिशियल रेजिडेंस प्रेजिडेंट ऑफ गोाना है उसका नाम है स्टेट हाउस नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन इसकी पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का नाम है बुडिस इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट का नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टेमनर ये 19 मार्च 2017 से जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं और इनका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता इनकी चांसलर होती है चांसलर का नाम है एंजला मर्कल एंजला मर्कल जो है 2005 से जर्मनी की चांसलर हैं और ये फर्स्ट लेडी हैं जो कि जर्मनी की चांसलर बनी थी और ये फोर्थ टर्म के लिए सिलेक्ट दोबारा सेलेक्ट हुई हैं जिनके ये, ये फोर्थ चौथी दफा दोबारा सेलेक्ट हुई हैं एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी नेक्स्ट कंट्री है ईरान ईरान का कैपिटल है तेहरान इसके पार्लियामेंट का नाम है मजलिस इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट का नाम है हसन रूहानी हसन रूहानी 2013 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे इसके बाद ये जी एलेक्ट हुए हैं 2017 में और इसकी जो टर्म लेंथ है फोर ईयर है नेक्स्ट कंट्री है इराक इराक का कैपिटल है बगदाद इसकी पार्लियामेंट का नाम है कोंसल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके जो प्रेसिडेंट हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट का नाम है बरहम साली ये 2008 हज़ार में प्रेसिडेंट बने थे इराक के और इसके जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल कदीमी और ये 2020 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं इराक़ के नेक्स्ट एंड लास्ट कंट्री वो है इटली इटली का कैपिटल है रोम इसके प्रेजिडेंट का नाम है सिलगोई सिंस 2015 और जो इसका प्राइम है, प्राइम है का नाम है मारियो दरागई मारियो दरागई जो हैं ये 2021 में प्राइम मिनिस्टर बने थे इटली के थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अपनी कीमती राय से एक मिनट में जरूर आगा कीजिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह